हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ रायते रेसिपी। रायते कैसे बनते हैं चलिए आज मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से बनते हैं, बिल्कुल उसमें टाइम नहीं लगता है, फटाफट ये बन के रेसिपी तैयार हो जाती है। और गर्मियों के सीजन में ज़्यादातर आप लोग घर पर ये बनाते होंगे, ज़रूरत पड़ती है हर किसी को रायते की। गर्मी के दिन में सब लोग पसंद करते हैं रायते खाना। और ये किसी भी आप वेजिटेबल को ले सकते हैं, आप फ्रूट से भी बना सकते हैं, फ्रूट से भी बहुत अच्छे बनते हैं रायते। मैं आज आपको वेजिटेबल से बना के दिखाती हूँ। मैंने चार तरीके का वेजिटेबल लिया हुआ है, आप इससे भी ज़्यादा आप बढ़ा सकते हैं वेजिटेबल थोड़ा थोड़ा करके। और जीरा पाउडर लिया हुआ है, और इस एक स्पून मैंने शुगर और काला नमक मैंने लिया हुआ है। और इधर मैं ली हूँ डेकोरेट करने के लिए कुछ वेजिटेबल, जो कि है ककड़ी और कैरेट। दो चीज़ों से मैं डेकोरेट करने के लिए मैं इस तरीके से मैं काट ली हूँ। चाकू से बहुत ही आसानी तरीके से ये कट जाते हैं, सजाने में बहुत ही अच्छा लगता है ऊपर से। और ये मैं थोड़ा सा ले ली हूँ हरा धनिया, जो कि और देखने में खूबसूरत दिखेगा। और इधर मैं ली हूँ घर का जमाई हूँ मैं घर पे ये दही, आप कैसा भी दही ले सकते हैं। अब इधर मैं दही ली हूँ करीबन आधा लीटर केजी का, लेकिन मैं पूरा नहीं डालूंगी, दिखाती हूँ मैं कितना मैं लूँगी। और ऐसा आप दही जमा के घर पे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपका ये रायता। दही निकाल लेते हैं, मुझे जितना चाहिए मैं निकाल लेती हूँ। आप कैसा भी दही ले सकते हैं, मोटा या पतला। अब मैं इसको बड़े से कटोरे में निकाल ली हूँ। अब मुझे अब ज़्यादा दही की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही मिलूँगी। अब मैं इसको इसकी मदद से इसको मिक्स करते हैं, क्रीम जैसा बना लेते हैं। उसके बाद मैं इसमें वेजिटेबल मिक्स करूँगी, पहले क्रीमी हो जाए मेरा ये दही। आप चाहें तो स्पून की मदद से भी इसको क्रीम जैसा बना सकते हैं, किसी भी चीज़ से आप फेंट लें इसको अच्छे तरीके से। काफ़ी स्मूथ बन के तैयार है हमारा ये दही। अब इसको चेक कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा हुआ है। अब मैं इसमें डालती हूँ कटा हुआ कैरेट, एक चॉपेड टमाटो, और ये कुकुम्बर, ये एक ओनियन, और थोड़ा सा शुगर, और ये ब्लैक नमक, अब ये जीरा पाउडर, 1 स्पून जीरा पाउडर है। अब इसको करते हैं मिक्स। सभी मेरा ये मटेरियल पड़ चुका है, अब इसको मैं मिक्स करती हूँ। अब इसमें कुछ नहीं पड़ेगा, अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। हमारा रायता बहुत ही टेस्टी आज का बनने वाला है, अगर इस तरीके से बनाएंगे तो हर कोई पसंद करेगा। चलिए इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब मैं इसको डेकोरेट करने की बारी आ गई, मैं इसको डेकोरेट करके दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, और खाने में तो बहुत ही हेल्दी होता है ये। खाने में हर किसी को ये रायता और ये दही ठंडी ठंडी अच्छी लगती है। ये सब चीज़ें गर्मी के दिन में खाना सब लोग पसंद करते हैं। इस तरीके से आप बनाएं, अपने फैमिली को खिलाएं, सबका दिल खुश हो जाएगा। और खाने में बहुत ही मज़ा देने वाला है ये रायते। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।